हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में जैसा कि आपने देखा था, कल अरावली श्रेणी से कुछ फैक्ट छूट गए थे। सबसे पहले तो उस फैक्ट को हम पूरा कर लें, उसके बाद आगे की कड़ी में चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं कि अरावली श्रेणी में जैसा कि कल आपने विस्तार देखा था कि अरावली श्रेणी अरावली श्रेणी का विस्तार आपने देखा था स्पेशल रूप से गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होता है, उसके बाद राजस्थान में चलते हैं, राजस्थान के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली। इतनी बात तो अच्छे समझ आ रही है, ठीक है। अब देखिए, गुजरात के पालनपुर और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली स्पेशल रूप से चार राज्यों में हैं, और चार राज्यों में यानी कि एक जिसमें चार राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश है, और राजस्थान बताया गया 80% जो है राजस्थान में पाया जाता है अरावली श्रेणी का, ठीक है। ये बातें तो अच्छे समझ में आ गई होगी। तो अब आइए चलते हैं। अब राजस्थान में स्पेशल अगर देखा जाए तो 7 जिले हैं, ठीक है। तो राजस्थान में कितने जिले हैं? अगला फैक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में मुख्य रूप से अरावली श्रेणी राजस्थान में मुख्य रूप से अरावली श्रेणी या 7 जिलों से होकर गुजरती। क्लियर? जैसा कि फ्रेंड्स जानते हैं, अगर 7 जिले होंगे इधर देखिए, ये अजमेर को आप बीच में रखिए, क्योंकि इसी के साथ हम आपका विभाजन भी करेंगे, क्योंकि अरावली श्रेणी 3 भागों में बांटा भी गया, उत्तरी अरावली श्रेणी, मध्य अरावली श्रेणी और दक्षिणी अरावली श्रेणी। तो उत्तरी में कौन आएगा, मध्य में कौन आएगा? अगर ये बीच में है तो इसका मतलब 7 जिला है, तो इसमें क्या होगा, मध्य अरावली श्रेणी होगी, मध्य अरावली ये श्रेणी में होगी। इसका मतलब 3 इधर जो होंगे और 3 इधर जो होंगे आपके क्या होंगे, ये दक्षिणी होंगे और ये उत्तरी होंगे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहां लिखेंगे अलवर, दौसा, फ्रेंड्स याद रखिए, अलवर, दौसा और अजमेर, सॉरी जयपुर, 3 इधर हो गए। इसका मतलब ये तीनों जो हैं उत्तरी अरावली श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब यहां लिखेंगे सिरोही, 3 इधर होने चाहिए, सिरोही, उदयपुर और ये ऐसे लिख लीजिए राजसमंद, उदयपुर और सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही। तो फ्रेंड्स ये तीनों जो हैं, ये तीनों आपके दक्षिणी अरावली श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
इस तरीके से बांटा गया है। अगर सब एरिया में देखेंगे, जैसे सपोज दैट एक जिला एक तहसील एरिया में देखेंगे, तहसील एरिया में, तो याद रखना फ्रेंड्स स्पेशल रूप से 14 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। लेकिन अभी तक आप इतना जानिए कि अरावली श्रेणी को उत्तरी अरावली श्रेणी और मध्य अरावली श्रेणी और दक्षिणी अरावली श्रेणी तीन भागों में विभाजित किया गया, जिसमें मध्य में केवल केवल स्पेशल क्या है, अजमेर है। क्या है? अजमेर है। और अलवर दौसा और जयपुर ये उत्तरी अरावली श्रेणी में आ गए, और राजसमंद उदयपुर और सिरोही ये आपके दक्षिणी जिले अरावली श्रेणी में आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे। अगर दक्षिण से पूछा जाता है तो आप सबसे पहले याद रखिए सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, फिर अजमेर, फिर उसके बाद जयपुर, दौसा, अलवर, इस तरीके से आप बताएंगे। तो यानी ये इस तरीके से उत्तरी से दक्षिणी, दक्षिणी से उत्तरी, और बीच में आपको सजो के रखना है मध्य अरावली श्रेणी। तो तीन अरावली श्रेणी आपके समक्ष आ गई। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई। तो फ्रेंड्स इसे थोड़ा सा मिटाते हैं, आगे चलते हैं मैपिंग के साथ। अब सवाल उठता है कि जो आपका ये अरावली श्रेणी है ये क्या काम है, इसका महत्व क्या है। यहां लिखेंगे अरावली श्रेणी का महत्व। पहली बात तो ये खनिज संपदा से परिपूर्ण है, पहला कंडीशन। यहां लिखेंगे पहला फैक्ट क्या होगा, अरावली श्रेणी के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी क्षेत्र हैं वह खनिज संपदा से परिपूर्ण है, इसका महत्व ये हो गया। अगला महत्व क्या हो सकता है कि अरावली श्रेणी ये जलवायु विभाजक का काम करती है। जलवायु विभाजक का भी काम करती है। जलवायु विभाजक का भी काम करती है। इतनी बात समझ गए। अब सवाल उठता है जलवायु विभाजक कैसे काम करेगी, ये भी ध्यान देना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अरावली श्रेणी है उत्तर से दक्षिण गया सीधा लंबवत, बाकी आपने देखा होगा महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय ये पूर्व से पश्चिम गए। तो इसका मतलब कि जो आपकी अरावली श्रेणी है उत्तर से दक्षिण आई है, जैसा कि आप देखेंगे अरब सागर से उठने वाला मानसून क्या है, उत्तर से दक्षिण जा रहा है। तो इसका मतलब जैसे जैसे मानसून जा रहा, मानसून के अनुकूल उसकी पहाड़ी भी है सीधा ऐसे कटते हुए आगे चले जाएगी। इतनी बातें पकड़ में आ गई। अब इसे मैप के अकॉर्डिंग देखिए जरा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहां हम क्या लिखें, अरावली श्रेणी जो है जलवायु विभाजक का भी काम कर रही है। ठीक है, अब आइए चलते हैं तो फ्रेंड्स ये जैसे हमने बताया कि ये अरावली श्रेणी जो है स्पेशल रूप से जलवायु विभाजक का भी काम कर रही है। तो सबसे पहले हम मैप बनाते हैं इंडिया का। अब आप इंडिया का मैप बनाएंगे। ये आपका इंडिया का मैप है। जैसा कि आपने देखा ये गुजरात से ये श्रेणी ये दिल्ली तक गई। ठीक, अब देखिए हमने क्या लिखा कि अरावली श्रेणी ये जलवायु विभाजक का भी काम करती है।
करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए, ये अरब सागर से उठने वाला मानसून, ये जो हवाएं चलती हैं अब ऐसे आगे की तरफ जा रही है, इसका मतलब जैसे जैसे ये पहाड़ी गई इस पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इधर से इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इधर देखिए, इधर से ये सीधा ऐसे निकलते चली जा रही है, सीधा निकलते चली जा रही, और ये क्या करेगी, धीरे से जाकर के यहां पर टकराएगी, यहां पर जैसे टकराती है तो समझ लीजिए कि यहां पर क्या होगी, बारिश होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब कि अरावली के पूरब क्षेत्र में झमाझम बारिश होगी, तो यहां लिखेंगे अरावली अरावली श्रेणी के पूर्वी छोर पर डेढ़ सौ सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है। अगर मान लीजिए यहां पर 150 वर्षा होती है तो इसका मतलब कि शिवालिक के पश्चिम में क्या होगा, सॉरी अरावली के पश्चिम में क्या होगा, यहां लिखेंगे अरावली के पश्चिमी छोर पर, क्योंकि ये हवाएं निकलती चली जा रही, भाई ये तो जाके यहां आगे टकरा रही है, इसका मतलब यहां पर बारिश कर रही, लेकिन यहां पर तो निकल जा रही है ना, तो बारिश कहां होगी, जाके हिमालय से टकराएगी। अब देखिए अरावली के पश्चिमी छोर पर मानसून ना टकराने के कारण वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। क्लियर, 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तो अगर 25 सेंटीमीटर से कम होगा तो इसका मतलब ये क्या है, यहां पर स्पेशल रूप से थार का मरुस्थल होगा। तो ये प्रश्न क्या उठ जाता है, इसका मतलब यहां पर थार का मरुस्थल होगा। क्लियर, अब अगर यहां पर थार का मरुस्थल होगा तो इसका मतलब क्या है, अब देखिए जैसा कि आपने देखा था ये सब थार के मरुस्थल में क्या होगा, ऊसर ये सब धूल उड़ते रहेंगे, और जैसा कि आपने देखा इधर अगर इधर साइड थार के मरुस्थल हैं तो स्वाभाविक सी बात क्या होगा, लूनी नदी इसी थार के मरुस्थल से होते हुए यहां आएगी, कच्छ के रण में अपना पानी न्यौछावर कर दे, सूख जाएगी। अब अरावली श्रेणी का एक स्पेशल रूप से यह महत्व क्या निकल जाता है कि अरावली श्रेणी पश्चिम साइड में बारिश ना होने के कारण वहां पर मरुस्थल हो रहा है, तो अगर अरावली श्रेणी ना होता तो इसका मतलब कि वह मरुस्थली क्षेत्र को पूरब के तरफ बढ़ावा देता जरूर। तो यहां लिखेंगे इसका मतलब कि अरावली, फिर अरावली का महत्व क्या हो गया, अरावली होने का महत्व क्या हो गया, अरावली का महत्व, अगला क्वेश्चन हो गया, अरावली अगर ऐसे लंबवत उत्तर से दक्षिण ना होती, दक्षिण ना होती तो जो थार का मरुस्थल है उसे पश्चिम से पूरब जाने में नहीं रोक पाती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई यहां ना टकराती, यहां जब हवाएं ना टकराती, यहां जब नहीं टकराएगी स्वाभाविक सी बात बारिश नहीं होती, तो ये भी क्या होता, धीरे से इधर भी मरुस्थलीय एरिया बढ़ता जाता, इधर ही बढ़ता। इसका मतलब इसीलिए कहा गया कि अरावली जो श्रेणी है ये जलवायु विभाजक का काम करता है, क्यों,
क्योंकि हमने आपसे पहले बता दिया कि उत्तर से ये जैसे जैसे इसके अनुकूल जा रहे हैं, यहां टकरा रही, बारिश हो रही है, पर इधर इधर नहीं टकरा रही, इधर बारिश नहीं हो रही, इसका मतलब थार का मरुस्थल बन रहा है। अब अगर ये यहां पर बारिश अगर हिमालय ये सॉरी अरावली श्रेणी ना होती तो इसका मतलब ये है कि ये मरुस्थल बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई। अब इसे फिर मिटाते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर आपका सांभर झील है, सांभर झील, सांभर झील आप जानते हैं भारत का सबसे अधिक खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है, क्लियर। और याद रखना राजस्थान में आम बोलचाल में जितनी झीलें हैं लगभग प्याला बोला जाता है, प्याला झील, प्याला प्याला झील बोला जाता है। इसका मतलब राजस्थान की सबसे बड़ी झील क्या है? सांभर झील। तो यहां पर लिखेंगे सांभर झील राजस्थान की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी या सबसे बड़ा प्याला झील है। अगला पॉइंट क्या बनता है? अगला पॉइंट ये है कि इस तरीके से अरावली के ये गिरफ्त में लिखेंगे सांभर झील चारों तरफ से अरावली से घिरा हुआ, अरावली से घिरा हुआ, यानी चारों तरफ अरावली से, ये जो सांभर झील है चारों तरफ अरावली से घिरा हुआ। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसे भी मिटाते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अब यहां पर कुछ खनिज संसाधन भी पाए जाएंगे, अरावली के आसपास खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं, तो लिखेंगे अरावली के पास कुछ खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं। जैसे कि आप देखिए फ्रेंड्स, अगला है पॉइंट, जैसे है धात्विक, पहला लिखिए धात्विक, धात्विक में हेडिंग डालेंगे कापर, कापर स्पेशल कहां पाया जाता है? खेतड़ी खान, अर्थात ये है झुंझुनू जिला, झुंझुनू जिला, यहां तक कोई आपत्ति? आप देखिए ताबा, क्लियर। उसके बाद कापर हो गया, ताबा हो गया, और उसके बाद याद रखिएगा आयरन हो गया, आयरन याद रखिए जयपुर में, जयपुर में फ्रेंड्स। आगे देखिए चांदी और अभ्रक, चांदी और अभ्रक ये क्या हो गए? याद रखिए धात्विक, फिर अधात्विक में चूना पत्थर,
क्लियर। उसके बाद याद रखिएगा बलुआ पत्थर, याद रखिए मकराना, मकराना पत्थर, स्पेशल रूप से मकराना पत्थर जो है मकराना जिला में ही पाया जाता है, सॉरी मकराना क्षेत्र में ही पाया जाता है। अब जो मकराना क्षेत्र पाया जाता है इसका मतलब कि ये मकराना पत्थर इसी के नाम पे पड़ा हुआ है, इसी को याद रखिएगा सफेद पत्थर भी कहा जाता है, सॉरी सफेद संगमरमर। अब सफेद संगमरमर याद रखिए कहां कहां लगा है, जैसा कि आपने देखा है विक्टोरिया, मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल में जैसा कि आप जानते हैं कलकत्ता, कलकत्ता में वहां पर सफेद पत्थर लगा हुआ है। आप देखिए अगला कंडीशन क्या है, आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल यहां भी सफेद पत्थर लगे हुए हैं। अब याद रखिए सफेद पत्थर को ही मकराना पत्थर भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज अरावली से रेफरेंस आप पूरा डिटेल क्लियर हो गया। सांभर झील, जैसा कि हमने बताया था कि जैसलमेर के पास में भी छोटे छोटे झील पाए जाते हैं, सबको छोटे छोटे प्याले झील बोले गए, तो सांभर झील तो बड़ा झील है इसलिए बड़ा प्याला झील होगा। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि अरावली से संबंधित आपको पूरे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। हाँ एक चीज और याद रखिएगा, अगर हकीकत देखा जाए कि यह आपने माउंट आबू के बारे में सुना, थोड़ा सा मैं एक कहावत बताना चाह रहा हूं माउंट आबू से रिलेटेड। इस कहावत को आप ध्यान दीजिएगा कि अदुर्वा एक, देखिए माउंट, पहले तो ये जान लीजिए अरावली पर्वत को या अरावली श्रेणी को पहले मेवात के नाम से जानते थे, अरावली श्रेणी को पहले मेवात श्रेणी के नाम से जानते थे, किसके नाम जानते थे, मेवात श्रेणी के नाम जानते थे। अब देखिए आप एक थोड़ा सा चर्चित कहानी सुन लीजिए माउंट आबू की। माउंट आबू को पहले अदुर्वा कहा जाता था, अवुर्दा, रियलिटी क्या है अवुर्दा, इसे कहा जाता था। फ्रेंड्स याद रखिएगा अवुर्दा जो है यह एक प्रकार का सांप है, जैसा कि आप जानते हैं कि अवुर्दा सांप जो है वह एक प्रजाति है। और दूसरा चीज शंकर जी के गले में, शिव जी के गले में यह लपेटे हुए थे। और दूसरी चीज ये लपेटने के साथ साथ आपने सुना होगा उनकी एक नंदी गैया थी, शिव जी की एक नंदी गैया थी, उस गैया की रखवाली अवुर्दा सांप ही करता था। उसी प्रकार से यह जो है माउंट आबू जो है यह माउंट आबू भी एक प्रकार से हिल स्टेशन के रूप में रखवाली भी करता है, हिल स्टेशन के रूप में ही जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि अवुर्दा माउंट आबू को ही कहा जाता था, ये अच्छे से आपको पकड़ में आ गया होगा। यहां तक किसी कोई आपत्ति नहीं होगी कि अवुर्दा क्या है, मैंने बता दिया कि एक सांप है विषैला सांप था, जो कि आप जानते हैं शंकर जी वैसे गले में कई सांपों को लपेटे थे, तो उसी में एक प्रजाति अवुर्दा सांप था।
फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो उदय जीएस रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना और शेयर करना भी ना भूले। और हाँ, भरसक प्रयास करिए कि आप कमेंट भी देते रहिए कैसी क्लास चल रही है। और मिलते हैं अगली क्लास में और बेहतर क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।